साधक मित्रों, हम वेदनाओं की बात कर रहे थे, संवेदनाओं की बात कर रहे थे। दोनों एक ही हैं, वेदना संवेदना। शरीर की काया की अनुभूति, मन की चित्त की अनुभूति, अनुभूति जो भी हो रहा है, घट रहा है, उसके प्रति हम अवेयर हैं, उसी को हमने संवेदना और वेदना कहा है गुरुदेव ने उसे। तो यह वेदना हमने कहा, सुख वेदना, दुख वेदना, और मन की जो वेदना है सोमनस्य दोमनस्य कहलाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वेदना सबे धम्मा वेदना समोसरना, तो फिर मन पर अगर सुख दुख जागा तो उसकी संवेदना वेदना काया पर तुरंत हो जाएगी। यानी कि मन में सोमनस्य दोमनस्य जागा तो तुरंत काया पर भी उसी प्रकार का मन के अनुरूप वेदना संवेदनाओं का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो यह हो गए, हमने चार टाइप की देख ली, मानसिक, कायिक, दो वेदना। वैसे ही अदुख असुख वेदना, यह गुरुदेव कहते हैं ना, जब हम बैठते हैं नए नए साधक, तो जब कोई वेदना की अनुभूति नहीं हो रही है शरीर में, तब क्या है, मोह मूढ़ता के संस्कार है, उसको हम अदुख असुख संवेदना नहीं कह सकते। यह अदुख असुख संवेदना मन की काया की भी, तो यह एक ऊंची अवस्था की बात है। जब साधक लगभग भंग अवस्था तक पहुंच जाता है, उपेक्षा पुष्ट होती रहती है, समता पुष्ट होती रहती है, तब जो अनुभूति एक बार होती है कि इसे दुख कहें नहीं कह सकते, सुख कहें इस अनुभूति को नहीं कह सकते, यानी कि मध्यम, तो दोनों भी नहीं है, तो उसे अदुख असुख संवेदना कहा काया की, और मन की जो है उसको हम अदुख असुख स्थिति है, उपेक्षा की स्थिति है, समता की स्थिति है। वहाँ पर समता की स्थिति में न कोई दुख की वेदना है, न सुख की वेदना है, न सोमनस्य है, न दोमनस्य, उसे हम मन की स्थिति कहिए। ऐसे ही भगवान ने कहा, अब ये छः कर दिए हमने, इसके पाँच है। तो भगवान ने एक जगह कहा कि परिस्थिति अनुरूप जो विषय चल रहा है उसके अनुरूप जब मैं बोलता हूँ, कभी पांच संवेदनाओं की बात करता हूँ, वेदनाओं की, कभी दो की, कभी तीन की, कभी छः की, कभी 36 की, कभी 108 संवेदनाओं की बात करता हूँ। गुरुदेव भी देखिए ना, जब हम 10 दिवसीय शिविर करते रहते हैं तो जब विपश्यना देते हैं गुरुदेव तो कैसा कहते हैं, कभी धड़कन है, कभी फड़कन है, कभी दुखाव है, कभी दबाव है, कभी दर्द है, कभी बहाव है, कभी खिंचाव है, कभी और कुछ, इस प्रकार के जब वो करते हैं, जब हम ध्यान से अगर सुने तो कितनी संवेदनाएं हो जाएगी, वो कितनी वेदना का प्रकार हो जाएंगे। इस प्रकार वेदनाओं के अनेक प्रकार है। तो वेदना ये क्यों होती है, संवेदना क्यों होती है, हमने देखा ना, इतने लर्नेड वैद्य जी रहकर भी गुरुदेव ने जब उन्हें जब वेदना कहते थे गुरुदेव, ये संवेदना शब्द को भगवान बुद्ध ने वेदना कहा तो गुरुदेव वेदना कहते थे, तो वे नाराज़ होकर शिविर ही छोड़ के चले गए, उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, तो गुरुदेव ने संवेदना शब्द का प्रयोग शुरू किया। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि वेदना क्या है, वेदना शरीर की मन की उस समय की अनुभूति है। तो इस प्रकार ये वेदना क्यों होती है, जब गुरुदेव ऐसा भी उदाहरण देते हैं ना, आप नाटक सिनेमा देख रहे हैं, कोई सिनेमा, हमें याद होगा पहले 3 घंटे हम पिक्चर की टॉकीज़ में जाके बैठ जाते थे फिल्म देखने, आज भी कई कई लोग टीवी के सामने ऐसे बैठ जाते हैं, जब तो कहीं वेदना नहीं होती, कहीं दुखाव दबाव नहीं होता, और आदमी आराम से कितनी भी देर बैठ कर टीवी के मैच, क्रिकेट के मैच देख लेता है टीवी पर, तो जब क्यों नहीं होती। पर जब हम साधना में बैठते हैं तभी हम क्यों बिचकते हैं, कभी यह पोस्चर बदलते हैं, कभी वो पोस्चर बदलते हैं, एक ही सीट पर कितनी नरम सीट होती है, कितना कुशन हमारा आरामदायक होता है, और हमें पहले ही गुरुदेव कहते हैं कि आप आराम से बैठिए, आप सुखपूर्वक जिस आसन में देर तक बैठ सकते हैं उसी पोजीशन में बैठे। फिर भी हम मचकते हैं, हम उचकते हैं, थोड़े थोड़े इधर हटते हैं, उधर हटते हैं, पैर बदलते हैं, हाथ बदलते हैं,
हैं, तो ये क्यों होता है? तो ये साधना में बैठने के बाद जब हम अवेयरनेस में आते हैं, तभी हमें हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों पर हो रहे दुखाव, खिंचाव, दर्द की अनुभूति होती है, मन एकाग्र वहाँ होता है। और जब हम नाटक, सिनेमा, मैच, क्रिकेट मैच देखते होते हैं, तब मेन एक मन की एकाग्रता तो उस मैच पर होती है, मन मैच पर रहता है, स्कैटर्ड रहता है, कुछ खाने में रहता है, जब हमें वह बात महसूस नहीं होती। पर जब हम मन और शरीर का योग होता है, मन और शरीर एकत्र आते हैं साधना में, और मन को हम बाहर से जो भटक रहा है उसे खींचकर संक्षिप्त करते हैं, उसे कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, एकाग्र करते हैं, उसे हम एक प्रकार से एक एक जगह पर ले जाते हैं, विशिष्ट जगहों पर ले जाकर, शरीर के अंगों पर ले जाकर, उसे वहाँ की अनुभूति की जानकारी के लिए उसे एक प्रकार से बाध्य करते हैं। तब कहीं मन को, मन वर्तमान में आकर उन संवेदनाओं के प्रति जागरूक होता है, मन की जागरूकता बढ़ती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन सूक्ष्म और तीक्ष्ण होता है। तो इस प्रकार मैंने ये बताया। तो ये संवेदना क्यों होती है? तो गुरुदेव ने कहा कि वेदना का कारण यह होता है, दुखद रहो सुखद हो। दुखद को क्या कहा? दुखद संवेदना को अप्रिय, और सुखद को प्रिय। ये मन की भी सुखद प्रिय हो सकती है, और दुखद अप्रिय, दोमनस से जब आता है अप्रिय हो सकती है। वैसे ही संवेदनाओं के बारे में यह भी कहा गया, निरामिष, कल मैंने कहा ना, निरामिष और सामिष। सामिष को हम अपवित्र, अशुद्ध मानते हैं, निरामिष को पवित्र मानते हैं। तो निरामिष यानी कि चाहे वह दुखद संवेदना भी है, वह भी निरामिष हो सकती है। और निरामिष संवेदना देखना यही हमारा लक्ष्य है, यानी कि तटस्थ होकर जब हम संवेदनाएँ देखते हैं, वेदनाओं का अनुभव जब हम तटस्थ होकर करते हैं, जब सांस का अनुभव रहो, चाहे वेदना का अनुभव हो, वर्तमान में रहकर, तटस्थ रहकर, एकाग्र रहकर, जब हम सारा ध्यान एक जगह लाकर जब हम वेदनाओं का अनुभव करते हैं, तटस्थता से स्थित प्रज्ञ होकर, और एक प्रकार से हम समता में रहकर, संप्रज्ञान के साथ जब हम, और उदय वे के बोध के साथ जब हम वेदना का अनुभव करते हैं ना, तब उसे कहते हैं निरामिष वेदना। और सामिष कब हो जाती है? वहाँ दुखद हो चाहे सुखद हो, प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, सामिष जब होती है जब मन का झुकाव रागात्मक हो जाता है प्रिय संवेदना के प्रति, और द्वेषात्मक हो जाता है, द्वेषमूलक हो जाता है अप्रिय संवेदना के प्रति। दुखद संवेदना चल रही है, हम व्याकुल हो रहे हैं, हम उसके प्रति है कि ये दुखद संवेदना कब बदलेगी, कब चली जाएगी, तो फिर वो सामिषी सामिष, और उससे हमें दुख की हो रही, हम जा रहे हैं, हमारा प्रयाण दुखों के ओर हो रहा है। और प्रिय है उसके प्रति भी हम चिपकाव पैदा कर देते हैं, व्याकुलता रखते हैं कि ये कहीं चली न जाए, दुखद ना आ जाए, यह कंटिन्यू रहे, या सुखद संवेदना कब आए, सुखद संवेदना है तो वो बनी रहे, तो इसके प्रति व्याकुलता आ जाए, तो फिर यह भी सामिश हो गई। पर दुखद संवेदना आई और हम तटस्थ रह गए, हमने उसे साक्षी भाव से देखा, तो दुखद संवेदना भी हमारा सुख का कारण बनेगी, यानी कि सुख का, यानी कि दुख से बाहर आने का कारण बनेगी, और वो दुखद संवेदना निरामिष होगी। और सुखद संवेदनाएँ, राग की संवेदना आदिनों कहते हैं गुरुदेव, दुखद संवेदनाओं के प्रति समता में रहना एक बार बहुत शक्य है, बहुत दुरापस्त नहीं है। पर सुखद संवेदनाओं के प्रति राग उत्पन्न न करना, सुखद संवेदनाओं के प्रति प्रीति उत्पन्न न करना, मन में सुखद संवेदना बनी रहे या इच्छा न रखना, यह थोड़ा बहुत कठिन काम है। सुखद संवेदना जब भी आती है साधक को, गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा अलर्ट हो जाओ, ज़्यादा आप जागरूक हो जाओ कि कहीं ये सुखद संवेदनाओं से मैं राग की कड़ी तो नहीं बना रहा हूँ, दुखों का संक्रमण, दुखों का मैं एक रास्ता तो नहीं बना रहा हूँ, इसका बहुत साधक ने ध्यान रखना चाहिए। यह सामिष और निरामिष के बारे में कहा। तो वेदना क्यों होती है? तो वेदना इस कारण होती है गुरुदेव, हमें बहुत देर बैठने का अभ्यास नहीं है, उस कारण भी वेदना होती है।
कई रोगों के कारण, पूर्व के रोगों के कारण कुछ आकस्मिक यानी कि कुछ एक्सीडेंट हुआ हो या कोई अपघात हुआ हो, उस कारण जो कुछ हमारे शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई हो उस कारण संवेदना उत्पन्न होती है, यानी कि किसी रोग के कारण भी संवेदना उत्पन्न होती है। वातावरण, जिस वातावरण में बैठे हैं हम, सर्दी का वातावरण है, गर्मी का वातावरण है, तो गर्मी का है तो पसीना आएगा, सर्दी का है तो ठिठुरन महसूस होगी, तो यह भी किस कारण होती है, वातावरण के कारण। उस कारण फिर जो आहार हम देते हैं, चेतसिक आहार और शारीरिक जो हम भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं, उस कारण भी संवेदना उत्पन्न। तो संवेदनाओं के उत्पन्न होने के तीन कारण गुरुदेव ने बताए हैं, वातावरण और क्या आहार ले रहे हैं, जैसा चटपटी आहार ले लिया, चरपरा आहार ले लिया, सभी जगह जलन महसूस होने लगी, कहीं कहीं खुजलाहट महसूस होने लगी क्योंकि हमने अग्नि तत्व का आहार ले लिया, यानी कि मिर्च मसाले का आहार ले लिया, तो और इस प्रकार यानी कि वात का आहार ले लिया, कोई वायु प्रकट होने का आहार ले लिया, इस कारण जो संवेदना प्रकट होती है उसे गुरुदेव ने कहा वात, बोले तो आहार के कारण और वातावरण के कारण हमने देखा कि किस प्रकार संवेदना प्रकट होती है। तो इस प्रकार यहाँ संवेदनाएँ होती है। गुरुदेव ने कहा संवेदनाओं का आह्वान नहीं करना है हमें, किसी विशेष प्रकार की वेदनाओं को आह्वान नहीं करना है, क्योंकि हम वेदनाएं निर्माण नहीं कर सकते, विशेष प्रकार की हमें जो चाहिए वेदना, और एक ही प्रकार की वेदना हर वक्त हो यह भी असंभव है, और सभी साधकों को एक ही समय एक प्रकार की वेदना हो यह भी असंभव है, यानी कि वेदनाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो उसका उदाहरण कैसे दिया, आकाश में भिन्न भिन्न हवाएं चलती है, कभी धूल भरी हवा चलती है, कभी स्वच्छ हवा चलती है, कभी ठंडी हवा चलती है, कभी गर्म हवा चलती है, इसका कोई बोल नहीं सकते कि कब कौन सी हवाएं चलेंगी, पर हवाएं बदलती अवश्य रहती है, हरदम धूल भरी हवाएं चलेंगी आवश्यक नहीं है, हरदम ठंडी हवाएं चलेंगी आवश्यक नहीं। उसी प्रकार वेदनाएं हमारे शरीर में चलती रहती है भिन्न भिन्न प्रकार की। उसका वैसा ही उदाहरण दिया कि एक धर्मशाला है, धर्मशाला में यात्री आते हैं चले जाते हैं, गोरे आते हैं, नाटे आते हैं, काले आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, लंबे आते हैं, ठीगड़े आते हैं, तो इस प्रकार हर टाइप का यात्री आते हैं, तो ये संवेदना एक प्रकार से यात्री है और हमारा शरीर यह धर्मशाला है, तो वहाँ आते हैं चले जाते, कुछ देर रुकते हैं चले जाते हैं, कौन कितनी देर रुकेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने इस आकाश को एक उदाहरण दिया, आकाश में भिन्न हवाएं चलती है, हमारा शरीर आकाश है और उसमें भिन्न हवाएं चल रही है, भिन्न संवेदनाएँ चल रही है, कौन सी कितनी देर चलेगी कह नहीं सकते, कौन सी संवेदना चलेगी कह नहीं सकते। और वैसे ही यात्री जो धर्मशाला में आते हैं तो उसका भी उदाहरण दिया। तो और गुरुदेव ने एक प्रश्न में कहा कि हमने आपको कीलों का आसन दिया क्या बैठने के लिए, कि भाई तुमको संवेदना ही जाननी है, दुखद संवेदना जाननी है, या शरीर को संवेदना जानने के लिए बाध्य करना है, इसलिए किसी को कीले का आसन तो नहीं दिया गया ना, हमने आराम से आरामदायक आसन दिया है और आप आराम से जो सुखासन है उसमें बैठ जाइए, इतना ही है, कमर पीठ गर्दन सीधी रहे, कमर पीठ गर्दन सीधी रहे, यह तो एक वैज्ञानिक तत्व है और अनेकों ऋषि मुनियों ने बुद्धों ने जब साधना की तो इसमें उसे लाभ हुआ, क्योंकि यह वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि उस भौतिक स्थिति में शरीर के मध्य की स्थिति में जब मेरुदंड हमारा एकदम सीधा रहता है, गर्दन सीधी रहती है, पीठ और कमर सीधी रहती है, तो हम अनंत काल तक भी उस पोजीशन में बैठे तो शरीर को कष्ट या समझो शरीर पे वजन कम से कम होता है, भार कम से कम होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण और जो हमारी बहरे गुरुत्वाकर्षण और जो पृथ्वी की गति है उसके साथ वह उसका तालमेल बैठकर उस पोजीशन में आप बैठे तो आपके शरीर निर्भार होकर बैठेगा, आपको इधर उधर हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं गिरेगी और आप लंबे समय तक उस पोजीशन में बैठे रहेंगे। और अनेक अवस्थाएं हैं जो योग की अवस्थाएं हैं, साधना की अवस्थाएं हैं, जो एक आगे जो भंग अवस्थाएं हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपको देर समय तक उसी आसन में, एक ही आसन में कमर पीठ गर्दन सीधी रखकर बैठना आना चाहिए, तो ही वह अवस्थाएं मिलेगी।
तो ये कहा गया है। अब यह अवस्थाएं आते आते जो भंग की अवस्था है उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते अनेक सिद्धियां मिलती है। यह एक राह के मील के पत्थर हैं गुरुदेव कहते हैं, उस विषय में भी हम आगे बात करेंगे। एक दो छोटे से जोक टाइप समझिए, अनेक शंकाएं कुशंकाएं साधकों को होती है। एक बार मेरे साथ का साधक जो सेवा में थे उन्होंने कहा कि यार आपकी घनी मूछें, इतनी घनी मूछें हैं तो आपको मूछ के जगह पे जो गुरुदेव कहते हैं ना नाक के नीचे ऊपर वाले ओठ के ऊपर संवेदना जल्दी नहीं महसूस होती होंगी। यानी कि उसका एक यह था मन का कि भाई जहाँ मूछें हैं इतनी जाड़ी जाड़ी तो उसके नीचे की जो संवेदना है वो जल्दी महसूस नहीं होती होंगी क्या, या कोई मोटा आदमी है उसको क्या शरीर का चक्कर लगाने को ज़्यादा समय लगता होगा क्या। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, इस पर हंसने की भी बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मन में शंका डाउट आता है चलता है, यह तो होते ही रहता है, पर डाउट क्लियर कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, उसमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए और इसमें कोई हंसने की भी बात नहीं है। किसको किस प्रकार का और किस में डाउट आ गया ये कुछ कह नहीं सकते। उसी प्रकार एक मेरे मित्र कहते थे उनको वो प्रमाद बहुत आ जाता था, तो वो कहते थे गुरु जी जब करते हैं ना, चलो अब आगे।